तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों कर्नाटक की 15 सीटों का सबसे ताजा एग्जिट पोल यहां पर निकल कर सामने आ चुका है और कई बड़े दावे यहां पर कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ, तो बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर यहां पर 15 सीटों के दौरान किस प्रकार से चुनाव प्रचार किए गए हैं, उस दौरान क्या कुछ यहाँ पर किया गया है, उन सभी पर यहाँ पर एक दूसरे पर यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन 15 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है, उसके बाद क्या यहाँ पर एग्जिट पोल निकल कर सामने आ रहे हैं। कई बड़े एक्सपर्ट लोग और कई बड़े चैनल का यहाँ पर आपको 3 बड़े चैनल का एग्जिट पोल यहाँ पर दिखाएंगे कि कर्नाटक में किसकी बनने जा रही है सरकार, किस पार्टी को कितनी सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। 9 दिसंबर को उसके रिजल्ट सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले कई बड़े न्यूज चैनल का एग्जिट पोल यहाँ पर सामने निकल कर आ चुका है। आखिरकार किसकी बनेगी सरकार, क्या यहाँ पर जो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, जो कांग्रेस जेडीएस से निकल कर आए थे और बीजेपी ने उन्हीं को यहाँ पर दोबारा से चुनावी मैदान में उतारा था, तो क्या जनता उनको एक बार फिर से बहुमत देगी। बहुमत के लिए चाहिए 112 का आंकड़ा, जो बीजेपी को सिर्फ 6 सीट यहाँ पर चाहिए और कांग्रेस को 12 सीटें चाहिए, तब जाकर वो सत्ता में वापसी कर सकती है। तो पावर टीवी एग्जिट पोल के अनुसार कर्नाटक की 15 सीटों के लिए सबसे ताजा आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं। 8 से 12 सीटें बीजेपी हासिल कर सकती है। ये आंकड़े इस प्रकार के हैं कि जो 15 विधायक थे वो यहां पर बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने पहले भी चुनाव जीता था, तो ऐसे में एग्जिट पोल के आंकड़े हैं कि 8 से 12 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। तो अचानक से यहां पर बदल गया एग्जिट पोल भी और बीजेपी को 12 सीटें यहां पर दिखाई जा रही हैं और कांग्रेस को सिर्फ 3 से 6 सीट यहां पर मिल सकती हैं और जेडीएस की बात करें तो यहां पर 2 सीट उनके खाते में जा सकती हैं। तो पावर टीवी के अनुसार ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वी टीवी की अगर बात करें तो वी टीवी का एग्जिट पोल के अनुसार कर्नाटक की 15 सीटों के लिए सबसे ताजा आंकड़े यहां पर हैं कि कर्नाटक में बीजेपी 9 सीट यहां पर हासिल कर रही है। कर्नाटक में एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता बरकरार रहेगी इस एग्जिट पोल के अनुसार। वही कांग्रेस को 3 सीटें यहां पर मिल सकती हैं और जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, 1 सीट अन्य के खाते में भी जा सकती है। ये बीटीवी का एग्जिट पोल के अनुसार आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। वही पब्लिक टीवी एग्जिट पोल के अनुसार कर्नाटक का 15 सीटों के लिए ताजा आंकड़े यहां पर है कि 8 से 12 सीटें इस एग्जिट पोल के अनुसार भी बीजेपी को जा सकती है। वही कांग्रेस को 3 से 5 सीट यहां पर जा सकती हैं, जेडीएस को 1 से 5 सीट यहां पर मिलने का अनुमान है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। तो पब्लिक टीवी का एग्जिट पोल के अनुसार ये आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं और फिर भी आपकी जानकारी बताने की 9 दिसंबर को इसके फाइनल आंकड़े निकल कर आएंगे, लेकिन जो अभी जानकारी जो अभी आंकड़े निकल कर आए हैं उसकी जानकारी आपको दे दी है। फिर भी आपको क्या लगता है इन 15 सीटों में किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और एक नई लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।